डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 मार्च 2020 और हमारी जो एपिसोड संख्या है ये हमारा 604वां एपिसोड है। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है ये रोज सुबह 4 बजे हमारे जो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस उनके ऊपर आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है ssccigilpinnacle.com और baljeetdhaka.com उन्हें भी आप जरूर विजिट करें। वीडियो के अंत में मैं आपसे हमेशा क्विज के 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ, उनका उत्तर आप जरूर दें और वीडियो के दौरान भी आपसे पुराने वीडियो से रिलेटेड मैं प्रश्न पूछूंगी, उनका उत्तर भी आप जरूर दें। शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज के दोनों प्रश्नों से। आपके सामने प्रीवियस क्विज के दोनों प्रश्न हैं। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो उत्तर यहाँ पर हमारा फिनलैंड है। दूसरा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर हमारा जो है 22 मार्च है। ये हमारे प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न देखो, किस ब्रिटिश भारतीय कवि ने प्रतिष्ठित विंडहम कैंबल पुरस्कार 2020 जीता है, ये आपसे पूछा गया है और इसका उत्तर जो है वो है भानु कपिल। भानु कपिल जो है ये हमारा राइट आंसर है। अब मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि ये जो विंडहम कैंबल पुरस्कार है ये दुनिया के सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसका जो 8वां वर्ष है उसमें 1.32 मिलियन का पुरस्कार जो है दुनिया भर के टोटल 8 लेखकों में साझा किया गया है और बहुत अच्छी बात है कि इन 8 में से 7 जो हैं वो महिलाएं हैं। कविता श्रेणी के लिए ब्रिटिश भारतीय कवयित्री जिनका नाम है भानु कपिल और जोना मिक्सन वेबस्टर, इन दोनों द्वारा ये जो पुरस्कार है ये साझा किया जाएगा। यहाँ पर आप भानु कपिल की तस्वीर भी देख सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 जो है इसकी थीम क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है और आंसर है यहाँ पर क्लाइमेट एंड वाटर। आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर यहाँ पर डी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, ठीक है, तारीख क्या है 23 मार्च 1950। इस दिन हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। थीम है 2020 के लिए क्लाइमेट एंड वाटर। साथ ही साथ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 मनाया गया है, ये जो इस साल मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, आप एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए और साथ ही साथ बताइए कि इस बार जो है थीम क्या थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, काउंट एवरी ड्रॉप काउंट, यहाँ पर सारा दिया हुआ है और जो हमारी वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने हाल ही में भाजपा विधायक टीएच श्याम कुमार को किस राज्य की कैबिनेट से हटाने का आदेश दिया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो मणिपुर होगा, आंसर हमारा ए है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्ण शक्तियों का आह्वान किया और भाजपा सांसद और मणिपुर के जो कैबिनेट मंत्री हैं टी श्याम कुमार को हटाने का आदेश दिया है। श्याम कुमार जो है अगले आदेश तक विधानसभा में प्रवेश करने पर भी उनकी रोक लगा दी गई है। देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो किसी सरकार से किसी कैबिनेट मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल जो है दुर्लभ ही करता है। सुप्रीम कोर्ट, श्याम कुमार 2017 में कांग्रेस के एक उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव जीते थे लेकिन आगे जाकर वो भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। उन्हें अयोग्य ठहराने संबंधी अर्जी जो है वो अभी भी विधानसभा अध्यक्ष के पास जो है लंबित है। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में और अब मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ, टी एच श्याम कुमार की तस्वीर, ये देखिए यहाँ पर इनकी तस्वीर है। साथ ही साथ क्योंकि बात मणिपुर की हुई है, ये हमारा राज्य है मणिपुर, कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर यहाँ नजमा हेब्दुल्ला है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है 60 सीटों
वीटो वाला, राज्यसभा में एक सीट है, लोकसभा में दो सीटें हैं इनके पास। शिरुई लिली फेस्टिवल, शंघाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क और शिरुई नेशनल पार्क जो है ये भी मणिपुर में ही लोकेटेड है। अब हमने यहाँ पर बात की है अयोग्य ठहराने के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में हमारे एक चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनको अपना बहुमत साबित करना था पर उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस चीफ मिनिस्टर का नाम और कौन से राज्य के वो चीफ मिनिस्टर थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। राजकोषीय समेकन की समीक्षा के लिए वित्त आयोग द्वारा गठित नई समिति का प्रमुख कौन होगा ये आपको बताना है। ये हमारा चौथा प्रश्न है और आंसर है यहाँ पर एन के सिंह, ये हमारा आंसर है। आंसर जो है वो सी होगा। वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोडमैप बनाने के लिए एन के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। वित्त आयोग जो है उसने फरवरी 2020 में भारत सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। वित्त आयोग 30 अक्टूबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 तक के वर्षों में प्रस्तुत करेगा। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी। ये जानकारी चौथे प्रश्न के बारे में, और यहाँ पर आप एनके सिंह की तस्वीर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी पहली मानव युक्त उड़ान शुरू करने की घोषणा की है? ये हमारा पांचवा प्रश्न है और आंसर यहाँ पर है स्पेसएक्स। आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर हमारा जो है डी है। कोविड 19 महामारी के प्रकोप के बावजूद भी स्पेसएक्स ने मई 2020 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी पहली मानव युक्त उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जो है क्रू ड्रैगन लॉन्च करेगा। यह नासा के अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बेहेंकेन और डॉग हरले को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह हमारा प्रश्न पांच था और आपको मैं इससे संबंधित यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रही हूँ। भारत में गूगल क्लाउड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारा सिक्स क्वेश्चन है और आंसर है यहाँ पर करण बाजवा। आंसर यहाँ पर क्या है? बी है। भारत में गूगल क्लाउड के प्रबंध निर्देशक के रूप में उद्योग के दिग्गज करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। बाजवा के पास गूगल क्लाउड की इनकम बढ़ाने और बाजार परिचालन की जिम्मेदारी होगी। इसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और जी सूट जो हैं वो शामिल हैं। गूगल क्लाउड के क्षेत्रीय बिक्री केंद्र, सहयोगी और ग्राहक इंजीनियरिंग संगठन भी उनके अधीन होंगे। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। करण बाजवा, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर आपको मैं करण बाजवा की तस्वीर भी दिखा रही हूँ। व्हाट्सएप जो है ये किस संगठन के साथ साझेदारी में कोरोना वायरस हब लॉन्च करेगा ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस में देखो UNDP है, WHO, यूनिसेफ या ये सभी। ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न सात है। प्रश्न सात के लिए उत्तर है हमारा ये सभी। आंसर यहाँ पर जो है वो डी होगा। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, इनके साथ साझेदारी में व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च करने की घोषणा की है। व्हाट्सएप कोरोना वायरस हब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं, गैर लाभकारी संस्थाओं और स्थानीय सरकारों को मार्गदर्शन वहां पर प्रदान करता है। इसके अलावा कंपनी ने पॉइंटर इंस्टीट्यूट के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तथ्य जांचने वाले नेटवर्क को $10,00,000 का अनुदान भी दिया है। तो ये जानकारी है प्रश्न सात के बारे में। यहाँ पर आप देखो ग्लोबल पार्टनर्स कौन कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो प्रश्न आठ पर आ गए हैं। प्रश्न आठ जो है ये बिहार दिवस के बारे में है। बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? बिहार दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। आंसर हमारा यहाँ पर बी है। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को पूरे राज्य में मनाया जाता है। इस दिन 1912 में, याद रखना साल 1912 में, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था।
बिहार दिवस को पहली बार साल 2010 में बड़े पैमाने पर मनाया गया था। बिहार दिवस उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 8, आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर हमारा जो है यहाँ पर, बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। अब बिहार दिवस मनाया जा रहा है तो बिहार भी देख लेते हैं मैप में। ये हमारा राज्य है बिहार, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, फागू चौहान यहाँ पर गवर्नर है, लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40। यहाँ पर आपका महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच किस राज्य ने शटडाउन के दौरान दैनिक वेतन भोगियों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है? ये प्रश्न है, तो इसकी घोषणा जो है वो की है उत्तर प्रदेश ने। आंसर डी होगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कोरोना वायरस के कारण शटडाउन के बीच राज्य के दैनिक वेतन भोगी जो हैं उनके लिए राहत के उपायों की घोषणा की है। श्रम विभाग में रजिस्टर्ड 20.37 लाख निर्माण श्रमिक में से प्रत्येक को और तत्काल आधार पर 1,000 रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। वित्त पोषित राशि को उनके खातों में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। भारत सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले नए COVID, COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल जो है उसका प्रमुख कौन है, यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की, मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर राजधानी लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश जो है उनके पास सभी राज्यों में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। ताजमहल और जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। फेमस डैम में रिहांद बांध जो है रिहांद नदी पर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दुधुआ नेशनल पार्क लोकेटेड है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। आज आइए 10वें प्रश्न पर। भारत सरकार उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए अर्पित कार्यक्रम चला रही है, अर्पित में आर का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 10 है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? आंसर आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रिफ्रेशर। जो उच्च शिक्षा संकाय के व्यवसायिक विकास के लिए सरकार पिछले 2 सालों से सफलतापूर्वक एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग जो है ऑनलाइन वो चला रही है। MOOC प्लेटफॉर्म स्वयं का उपयोग करके 2018 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ये शुरू किया गया है। अर्पित के माध्यम से पिछले 2 सालों में 1.8 लाख से अधिक शिक्षकों को संशोधित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नए और उभरते रुझान, शैक्षणिक सुधार और कार्य प्रणाली प्रदान की गई है। ये जानकारी प्रश्न 10 के बारे में। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर भी दिखा रही हूँ। अब हम चलते हैं समरी कीवर्ड्स पर। विंडहम कैम्बल प्राइज 2020 के लिए भानु कपिल को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2020 की थीम क्लाइमेट एंड वाटर। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने हटाने के आदेश दिए हैं TH श्याम कुमार को, और ये मणिपुर से हैं। उसके बाद कमेटी जो रिव्यू करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन, उसको हेड करेंगे NK सिंह। फर्स्ट मैंड फ्लाइट जो है ये May 2020 में जा रही है, SpaceX इसे भेज रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गूगल क्लाउड के भारत में करण बाजवा। व्हाट्सएप जो है वो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च करेगा। WHO, UNDP और यूनिसेफ के साथ मिलकर बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। रिलीफ मेजर्स देगा उत्तर प्रदेश उन डेली वेज अर्नर्स को जिनकी आमदनी जो है नहीं होगी अब COVID-19 के शटडाउन के कारण। अर्पित प्रोग्राम में यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग है। ये हमारे समरी कीवर्ड्स हो गए। अब आप आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे का पहला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय कवि ने प्रतिष्ठित विंडहैम कैम्बल पुरस्कार 2020 जीता है? ये पहला प्रश्न है।
दूसरा प्रश्न हमारा जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे आप मुझे। साथ ही साथ एक और एडिशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछ रही हूँ, बट उसका उत्तर भी आप मुझे देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाएं जो है उनके बारे में लोगों को सूचित करने के लिए कौन सा राज्य है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र नियुक्त कर रहा है या करेंगे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करो, साथ ही साथ जितना संभव हो सके वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। ये वेबसाइट्स हैं, इन्हें आप जरूर विजिट करें। ऑल द बेस्ट, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय।